डॉट एंड यहां पे एक्स लेस अप करेंगे डॉट रो। तो ये क्या होगा, यहां पे नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट। तो ये लूप लग गया यहां इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहां से यहां तक चलेगा। अब ये क्वांटिटी को लोड करना है, तो यहां लोड करने के लिए लिखेंगे क्वांटिटी इक्वल टू, और सेल्स बी कॉलन में है उसमें हमने आई रो एंड टू कॉलन डॉट वैल्यू हमने लोड कर दिया। या फिर आप ए बी के साथ कॉन्केट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं इस कंडीशन की, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 देन क्वांटिटी आर, यहां पे आर इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40, जैसे कि यहां पर है। और फिर यहां पे करते हैं सेल्स, सेल्स में आई रो एंड थ्री कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, और यहां आर को कर दीजिए खाली। या फिर अगर आप इतना नहीं चला चाहते हैं तो ये जो हमने यहां आर ना दिया तो डायरेक्ट आप यहीं पे दे दीजिए आर की जगह पे कट करके, तो हमें आर की जरूरत भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर रेंज आपके पास अगर बड़ा और लेंदी हुआ तो प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अब इसको यहां से रन कीजिए, रन करते देखिएगा सारा का सारा, एक मिनट, सेल्स 3 है ना, 3 का ना, 3 एक 2 है ना, टू यहाँ पे सेल्स 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 माइक्रो। ऐसे ये जो फॉर्मूला पहले से लगा है इसको हटा देता हूँ और यहाँ से, ठीक है सर, आया। इसी तरह के बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं, राइट सर। तो एक करके दीजिए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इफ फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप